At the top of this segment, the fourth edition of News 18's Rising Bharat ended with Prime Minister Modi's keynote address. Prime Minister promised unprecedented transformation, growth and prosperity for Indians over the next 5 years, targeting the middle class and youth in a pre-election pitch. Now, Prime Minister also hit out at the earlier UPA government for corruption and scams. Listen in to what he exactly said. अभी वैसे राहुल ने बड़ा वर्णन किया, 5 साल पहले मैं जब आया था और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूं जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019 और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है, बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है, फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया, वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही, और नियत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नियत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है
कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे, बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए।